जय माँ का दी बहनों, हमारे यूट्यूब चैनल जय माँ कैला देवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे श्री करवा चौथ मैया की कहानी। इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ व्रत करती हैं, करवा मनसती हैं, रात को चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन करती हैं। भारत में ज़्यादातर स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रहकर भगवान की उपासना करती हैं और कहानी सुनती हैं। सात भाई थे, एक बहन थी, सभी भाई शादीशुदा थे। एक बार कार्तिक के चार दिन बाद करवा चौथ आई, तब सभी भौजाइयों ने व्रत किया। तब नंद अपनी माँ से बोली कि माँ, हम भी करवा चौथ का व्रत करेंगे। पर माँ ने मना किया कि तुम भाइयों की बहुत अधिक लाडली हो और व्रत तुमसे नहीं किया जाएगा। पर वह माँ के मना करने पर भी उसने नहीं मानी और उसने व्रत किया। जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया। बहन ने कहा कि हम करवा चौथ का व्रत किया है और चांद देखकर खाएंगे। इतना सुनते ही सातों भाइयों ने, किसी ने चलनी, किसी ने दीपक लिया, कोई पेड़ पर चढ़ गया, किसी ने बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा उग आया है, चंद्रमा का अर्घ दे लो। बहन ने भाभियों से कहा तो भाभी बोली, तुम्ही दे लो, हम बाद में दे लेंगे। बहन को भूख लग रही थी, उसने चंद्रमा का अर्घ दे लिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला कौर खाया तो उसमें बाल निकला, दूसरा कौर खाया तो छींक हुई और तीसरा कौर खाया तो सासरे से खबर आई कि रोटी खा रही हो तो पानी यहाँ आकर के पीवे। थाली को छोड़कर जैसी थी वैसी ही सासरे चली गई। रास्ते में ससुराल पक्ष के लोग मुर्गा ले जा रहे थे तो वह उनके ही पीछे पीछे चल दी। जब मुर्गा शमशान में पहुंचा तब वह मुर्दे को वहीं छोड़कर एक झोंपड़ी बनाकर सब लोग आ गए। अब वहीं पर झोंपड़ी में रहने लगी तथा अपने पति की सेवा करने लगी। उसकी छोटी ननद आती और चार रोटी शाम को, चार रोटी सुबह तथा मटकी में पानी भर करके दे जाती थी। ऐसे ही समय निकलता गया। दूसरी साल करवा चौथ मैया आईं, ऊपर से सात परी उतरीं। उन्होंने खूब स्नान किए और मेहंदी महावर लगाया। उससे बोली कि हमारा करवा पलट वालो। तब उसने कहा कि मुझे तुम अपनी जैसी सुहागिन बना लो तो मैं पलटवा लूँगी। तब सबने हाँ तो कर दी, पर करवा नहीं पलटवाया और कहा कि दूसरी साल हमसे बड़ी बहन आवेगी, वह स्वाग देवेगी। ऐसे ही ऐसे हर साल सात परी आती और कहकर चली जाती। अब उसे 13 साल हो गए। 13वीं बरस आई तब वह बोली कि हम ऐसे ही सात परी आईं और उन्होंने कहा कि तुम करवा पलट वालो। तब उसने कहा कि तुम हर साल कहकर के चली जाती हो। तब परियों ने कहा कि अब की बार हम सच बोल रहे हैं कि हमारी 14वीं साल सबसे बड़ी करवा चौथ मैया आती हैं तथा आंधी मेह आएंगे, उसमें एक बुढ़िया आवेगी, तू उसके पैर पकड़ लेना, उसके बाल बिखरे हुए, नाक थूक लटक रहे होंगे, तू उससे घिन मत करना, तब वही दया करके तुझे स्वाग देगी, तेरा पति जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर वह चली गई। अब 14वीं साल करवा चौथ की रात को आंधी मेह आई, उसमें एक बुढ़िया आई तो उसके उसने पैर पकड़ लिए। तब कहने लगी कि करवा चौथ मैया कहने लगी कि मेरे पैरों को छोड़ दे। उसने कहा कि नहीं मैया, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। तब करवा चौथ मैया बोली कि तुझे
सुहाग से क्या करना है, तू सात भैयन की बहन है, माँ और बाप की लाडली है और तू व्रत को खंडित करने वाली है, तुझे सुहाग से क्या करना है। पर फिर भी उसने करवा चौथ मैया के पैर नहीं छोड़े। तब करवा चौथ मैया को दया आ गई तो करवा चौथ मैया ने उसके पति पर अमृत छिड़क दिया तो वह ऐसे उठा जैसे सो करके उठा हो। तब करवा चौथ मैया ने झोंपड़ी में एक लात मारी तो उसकी जगह कंचन महल बन गई। नंग रोटी देने आई, भैया और भौजाई सारे पासे ऊपर खेल रहे थे। तब भौजाई ने देखा कि ननद रोटी लेकर के आई है तो भौजाई नीचे आई। उसने कहा कि यह तुम्हारे भैया हैं और सब बात बताई। तब नंद वहाँ से भागी भागी अपनी माँ के पास आई और उसने सारी बात बताई और वह माँ को लिवा करके ले गई। तब माँ ने देखा कि और वह पहचान गई, अपनी सास से कहा कि मैं तुम्हारी बहू हूँ, ये तुम्हारे बेटा हैं, यह करवा चौथ मैया ने दिया है। सास बोली कि बेटा यह तो तेरी ही सेवा का फल है और तेरे ही भाग्य से जीवित हुआ है। करवा चौथ मैया ने जैसा उसको दिया वैसा ही कहानी कहने सुनने वाले और हुंका देने वाले को भी देना। करवा चौथ मैया हमसे कोई भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना और कहानी कहने सुनने वालों के और हुंका देने वालों के पति की दीर्घ आयु करना, सबको मैया सुहाग देना। बोलो करवा चौथ मैया की जय। तो बहनों, अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।